नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मछली के बाद दूध पियोगे तो जिल्द पर धब्बे पड़ जाएंगे, ये बात हकीकत है या वहम? डॉक्टर्स की राय। दूध और मछली का इम्तिज़ाज, कुछ खाने अगर मिलाकर खाए जाएं तो मज़ेदार लग सकते हैं, लेकिन जब हम इनकी साख्त को देखते हैं तो हो सकता है कि वो इंसानी जिस्म के लिए सेहतमंद ना हो। हर चीज़ के कुछ मुस्बत और कुछ मनफी पहलू होते हैं, और यही बात इन खानों के इम्तिज़ाज के लिए भी दुरुस्त है। आज हम दूध और मछली के ऐसे ही एक इम्तिज़ाज के बारे में बात करेंगे। जब हम मछली और दूध कहते हैं तो हम में से अक्सर को अपनी दादी की यह नसीहत याद दिलाई जाती है कि इन दोनों को ना मिलाना, वरना यह जिल्द की कुछ संगीन बीमारियों का बायस बनता है। तो क्या मछली और दूध का इम्तिज़ाज सेहतमंद है या बुरा? आइए जानते हैं कि इस बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं। माहरीन की राय। हाल ही में एक माहिर गिजाइयत ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की और बताया कि साइंसी तौर पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मछली खाते हुए दूध पीना जिस्म और जिल्द के लिए नुकसानदेह है। कुछ माहरीन के मुताबिक ये इम्तिज़ाज सिर्फ इस सूरत में नुकसानदेह हो सकता है जब आपको किसी भी मसनूआत से एलर्जी हो। आयुर्वेद का क्या कहना है? आयुर्वेद में दोनों अशिया के जिस्म पर बिल्कुल मुखालिफ असरात होते हैं, इसलिए वो मुताबिकत नहीं देखते। जबकि दूध ठंडक का असर रखता है, मछली की तासीर गर्म होती है, और ये मुरक्कब एक अदम तवाज़ुन पैदा कर सकता है जो जिस्म में कीमियाई तब्दीलियों का बायस बन सकता है। मछली और दूध की गजाइत, अगर आप अज्जा को अलग अलग देखें तो इनकी गजाइत काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि मछली की बहुत सी तैयारी दही के साथ की जाती है जो दूध से बनती है। दूसरे माहरीन के मुताबिक दोनों शिया प्रोटीन के भरपूर ज़राए हैं। इनफरादी तौर पर उनकी साख्त एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए उन्हें हजम करने के लिए अलग अलग वक्त की ज़रूरत होती है। अदम तवाज़ुन निज़ाम हजम पर तबाही मचा सकता है जो जिस्म में कीमियाई रद्द अमल को तब्दील कर सकता है और आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद कमज़ोर कर सकता है। नोट, साइंसी नुक्ता नज़र से ये इम्तिज़ाज जहरीला नहीं है, ताहम अगर हम आयुर्वेद के फ़लसफे को देखें तो इससे कुछ तकलीफ़ हो सकती है। मुख्तसर तौर पर ये मुरक्कब कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, लिहाजा ये मशवरा दिया जाता है कि खुराक में कोई तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करें और सिर्फ कही सुनी बातों पर अंधाधुंध एतमाद करने से भी गुरेज करें। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।